टुडे इज आवर फर्स्ट लेसन ऑफ द इंग्लिश. बिफोर स्टार्टिंग इंग्लिश वी स्टडी अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच आर द देर आर एट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दे आर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज एनीथिंग व्हिच कंप्लाइज अ नेम ऑफ एनीथिंग दैट इज पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी स्टेट एक्टिविटी एक्सेट्रा. नाउन आर ऑफ फोर टाइप्स. दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. There are four parts of noun. Common noun, second noun, proper noun, third one is collective noun and last one is abstract noun. Collective noun and last one is abstract noun. There are four parts of the noun. The noun which are common noun, proper noun, collective noun and abstract noun. The common noun which is common to all. Here, इसको इस तरह से अगर हम लोग समझते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम लोग समझने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसी के बारे में इन दोनों नाउन के बारे में पढ़ते हैं. राम इज स्टडिंग in class 6. तो हेयर हम लोग बोल सकते हैं कि राम और हरी बोथ आर स्टूडेंट्स. दे आर स्टडिंग इन क्लास 6. तो द कॉमन थिंग इन बोथ ऑफ देम इज दे आर स्टडिंग इन क्लास 6 एंड दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. तो स्टूडेंट जो है ये कॉमन नाउन हो गया और राम और हरी जो है वो प्रॉपर नाउन हो गए. राम एंड हरी. अब दूसरा चीज अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? नेम ऑफ प्लेस कोई भी पर्सन का नेम हो गया. अब अगर हम लोग इस तरह से पढ़े कोलकाता is a big city. Mumbai is also a big city. तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? बिग सिटी. तो हम लोग कॉमन नाउन में क्या लिख सकते हैं? दे आर द बिग सिटी. दैट इज सिटी है कॉमन दोनों में. और प्रॉपर नाउन में कोलकाता और मुंबई नेम ऑफ प्लेस हो गया. कोलकाता एंड मुंबई ये दोनों में कॉमन है. अब अगर हम लोग इसको देखने जाते हैं दोनों के बारे में पढ़ने जाएंगे तो कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है. प्रॉपर नाउन को हर समय हम लोग को कैपिटल लेटर में रखना पड़ता है. तो नाउन का
ये जो हुआ प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए हर समय प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको कोई भी नॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस कॉमन नाउन से है तो हम लोग उसको कैपिटल से लिखेंगे, अदरवाइज स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। तो कॉमन नाउन कैसे होगा, क्या क्या होगा? प्रॉपर नाउन तो अपने नाम हो गया, और कॉमन नाउन में होता है अपन जैसे एनिमल्स का, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय एक्सेट्रा कॉमन नाउन है। इसको मैं